नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूँ आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की बेंच ने बेंच आकांक्षी ब्लॉक सिरमौर में बच्चों के अधिकारों से जुड़े प्रकरणों की सुनवाई की। शिविर में चिन्हित बच्चों को शासन के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया। शिविर में बच्चों के आधार कार्ड का आयुष्मान कार्ड बनाने के साथ ही अन्य योजनाओं में लाभान्वित किया गया। शिविर में समाज विभाग द्वारा मेडिकल बोर्ड की टीम के माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की गई तथा दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किए गए। छात्रवृत्ति वितरण, खाद्यान्न वितरण, शिक्षा का अधिकार अधिनियम तथा यौन दुर्व्यवहार के प्रकरणों की सुनवाई बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बेंचने में की गई। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली की बेंच में सिरमौर एवं जैव विकास खंड के लगभग 1000 से अधिक हितग्राहियों की समस्याओं का समाधान किया गया तथा जिन समस्याओं का निराकरण नहीं हो सका उनके लिए समय सीमा निर्धारित की गई। सिविल में प्राप्त आवेदनों को विभाग वर संकलन कर कलेक्टर रीवा के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। शिविर में विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में प्राप्त समस्याओं के निराकरण के संबंध में समझाई दी गई। इस दौरान आयोग के सदस्य श्रीमती मेघा पवार, राष्ट्रीय बाल आयोग की परामर्शदात्री समिति की सदस्य श्रीमती प्रज्ञा त्रिपाठी, राष्ट्रीय बाल आयोग के कंसल्टेंट सलाहकार कल्पेंद्र परमार एवं राहुल, अपर कलेक्टर श्रीमती सपना त्रिपाठी, संयुक्त कलेक्टर पी के पांडे, एसडीएम आर के सिन्हा, बेनिसन हेलीपंग, सोशल वेलफेयर सोसाइटी अध्यक्ष श्लेषा शुक्ला मौजूद। ये बहन समूह में चलाती है, समूह संचालक है, समाज की सेवा करती नजर आ रही है। आइए बात करते हैं, आपने इन विकलांग के संबंध में क्या इनका सहयोग कर रही है? सर, जैसे हम यहाँ आए कंसेशन के स्टॉल लगाने और हमको पता चला कि विकलांगता का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आज को प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, तो हमको जानकारी थी कि हमारे मोहल्ले में एक लड़की है विकलांग है, इसका ये हाथ दिख रहा है, आप दिखाइए सर, ये लूज है, इसका हाथ जन्म से ही ऐसा है, तो इसका हमने भी सोचा कि अगर हमारे द्वारा इसका प्रमाण पत्र हो, कुछ शासन द्वारा धन्यवाद, इसका प्रमाण पत्र बनाया गया क्या? अभी यहाँ पर बोर्ड बैठा हुआ है, मैंने नाम लिखवाया है, अभी फोटो कापी लेके आई, मैं जमा कराऊंगी, इनको प्रमाण पत्र मिले या कुछ शासन से इनको सहयोग। अभी हमने बोर्ड वालों से बात किया, बोर्ड वाले बैठे हुए हैं, त्वरित प्रमाण पत्र बनाएंगे, आप इसका रिकॉर्ड जमा कराइए, इसका तत्काल अभी प्रमाण पत्र बनेगा जिसका यह साफ मिलेगा। जिला अध्यक्ष हूँ, मेरा नाम गीता त्रिपाठी है, मैं चाहती हूँ कि अगर मेरे द्वारा कुछ अच्छा काम हो सके तो मैंने अपने को धन्य समझूंगी। ठीक है, धन्यवाद, आप जरूर बनाए जहाँ पर सहयोग होगा। आज हम बाल संरक्षण अधिनियम के तहत इस मंगल भवन जनपद संरक्षण विकास खंड सिरमौर में जो विकास निर्माण बेंच का आयोजन किया गया है, संबंधित हमारे बीच में बात करते हैं, शुभ नाम मैम, किस पद पे हैं? सदस्य मध्य प्रदेश बाल आयोग संरक्षण आयोग की सदस्य। यहाँ कैसा है आपका, कितने शिकायत निवारण कितने का क्या कैसा हुआ, इसके बारे में कुछ जानकारी? देश भर में जितने आकांक्षी ब्लॉक्स हैं इसमें राष्ट्रीय बाल आयोग के द्वारा बैचेस का आयोजन होता है, इसमें बच्चों से संबंधित सारी समस्या, चाहे उनका स्वास्थ्य है, आधार कार्ड है, बैंक खाता है, किसी योजना का लाभ लेना हो या विकलांगता प्रमाण पत्र, संबंधित विभाग के कितने केस आपके पास तक अभी तक आ चुके हैं? सुबह से जो प्रकरण आ रहे हैं, विकलांगता प्रमाण पत्र के बाद कुछ बच्चों की पेंशन भी शुरू हुई है, कुछ को हियरिंग एड था, आधार कार्ड नहीं बने हुए थे, विकलांगता प्रमाण पत्र, पेंशन, इस तरह के समस्या। अभी एक मामला संज्ञान में आया है, जैसे खाद्य विभाग का है, खाद्य विभाग का अभी यहाँ पर बगल में है, एक स्वास्थ्य विभाग के समोसा लिए, उस समोसा में जो तिलचट्टा होता है वो तिलचट्टा कई कीड़े उसे बना के दिया गया, उन्हें दिखाया जो कि हम लोगों ने लिया है, तो उसके संबंध में क्या कुछ कहना है? आसपास के लोग अगर इसका सेवन कर रहे हैं, बगल में जनपद की बगल में है, दिल्ली से आए हैं, चले जा रहे हैं, तो उसके संबंध में जानकारी देते हुए धन्यवाद। देखिए अभी मैम ने बताया है, काफ़ी ऐसे हमने चर्चा की, हमारे बीच में हमारी दिल्ली की टीम आई हुई है, हम बात करते हैं, मैम के लिए बताया गया है, मैम ने बता दी है आप लोग लेट हो रहे हैं, आइए जल्दी हम अपनी प्रैक्टिस भी।
जितना देते रहे आई बात करते देखिए आज राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के तहत आज समस्त विभाग के कर्मचारियों को यहाँ पर पदस्थ कर दिया गया है, लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि भीषण गर्मी के कारण ये जो छत के नीचे बैठे पंखा चला उनको तो ठीक है, लेकिन जो बाहर इस कड़ाके की धूम में बिल्कुल पसीने से तलवल हो गए हैं, कपड़े भी गीले हो गए हैं, ऐसा लगता है बरसात के कारण भिज गए हैं। ये देखिए कितनी बुरी स्थिति चल रही है, लेकिन सभी प्रशासन के अधिकारी और योग सेंटर के कर्मचारी बेचारे अपने अपने कार्य में बिल्कुल मस्त हैं। आइए देखिए बात करते हैं यहाँ के लोगों से, सीधे सभी लोग लगे हुए हैं। सर आप शुभ नाम क्या लिखते हैं? किस योग सेंटर से हैं आप? यूनियन बैंक। आपके कितने केस हुए अभी तक? कितने केस हुए हैं आपका? एक केस हुआ। एक ही नहीं हुए? एक हो गया है। क्या निर्वाचन हुआ उनका? उनका निराकरण आपने क्या किया? अकाउंट ओपनिंग का कर दिए। चलिए ठीक है, आइए। किससे हैं भाई साहब? आप किससे हैं? पंजाब नेशनल बैंक से सर। PNB से हैं आप? कितने, क्या नाम लिखते हैं? गौरव से लिखते हैं। आप सेंटर क्यों सेंटर चलाते हैं? बैंक बैंक मैनेजर सर? नहीं, मैनेजर साहब जा रही। अच्छा, क्या स्थिति है आपके बैंक के? वो रिपोर्ट ठीक है, जो भी अपने परेशान हैं ग्राहक हैं उनका खाता खोल के निराकरण किया जा रहा है। अभी तक ने क्या निराकरण, कितने लोग आपके यहाँ पंजीयन हुए? 102 लोग। 102 कितने का निराकरण कर दिए? कितने लोगों का निराकरण कर दिया आपने? समस्या का निराकरण कितने लोगों को हो गया? 2 लोगों का अभी तक। 2 लोगों को हो गया। आप किससे हैं भाई साहब, क्या नाम लिखते हैं? अग्निश अग्नि। क्या स्थिति है आपके यहाँ की? ठीक। कितने केस आए? कुछ आए? 3 केस आए सर। क्या निराकरण हुआ? उनका अकाउंट ओपन किए हैं 0 बैलेंस का। देखिए एक योग सेंटर के PNB बैंक, यूनियन बैंक, यूनियन बैंक के मैनेजर सर का, यूनियन बैंक के मैनेजर साहब कहाँ हैं? अभी आए थे। यूनियन बैंक के मैनेजर साहब के इस रवैया से आज यूनियन बैंक के कोई भी कर्मचारी यहाँ पर मुझे पंडाल में नहीं दिख रहा है। यूनियन बैंक के जो मैनेजर साहब उनकी अलग ही डर्रा चल रहा है, उनसे आम जनमानस नाखुश दिख रही है। इस मानवाधिकार बाल संरक्षण में भी उनकी कहीं भी बैठक, कहीं भी यूनियन बैंक के अधिकारी नहीं दिख रहे मेरे को, योग सेंटर वाले वर्दी के वो नहीं दिख रहे हैं। इसमें हम प्रशासन से चाहेंगे कि यूनियन बैंक सिरमौर में वहाँ के मैनेजर के या तो यहाँ से स्थानांतरण किया जाए या कि अच्छे मैनेजर को किया जाए कि उनको टाइट किया जाए। आइए बात करते हैं आगे। किस विभाग से हैं आप लोग? जी सर, लोक सेवक से। क्या कितने पंजीयन हो गए आपके? अभी तो ये 2 आवेदन आए हैं नाम सुधार के लिए सर, एक अभी आया है नया आवेदन जाति। किससे संबंधित आया है? जाति प्रमाण पत्र से संबंधित है। जाति से संबंधित आया है सर। जी जी मैडम, आप लोग किस विभाग से हैं? जी महिला बाल विकास का पंडाल वगैरह कहाँ लगा है आपका? जी महिला बाल विकास का पंडाल वगैरह कहाँ लगा हुआ है? रीवा से आए हैं। रीवा से है। अच्छा, हम लोग की ड्यूटी लगा के ही बैठक व्यवस्था कौन है यहाँ के ऊपर? अभी तक